देखिए यहाँ ये हमने लिए हैं लाई या पफ राइस, जो भी आप इसे कहते हैं। यहाँ ये हमने 5 कप लिए हैं। आपको जितना भेलपुरी बनानी है आप उतनी ले सकते हैं। अभी देखेंगे तो अभी ये थोड़े से सीले हैं। ये देखिए जब हम इसे दबा रहे हैं तो इसमें से वो क्रंची आवाज़ नहीं आ रही है, सीलन है, तो ये इस तरह से हो रहे हैं। इसके लिए हम इन्हें थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे, और वो हम कैसे करते हैं, यह हमने कढ़ाई ली है और इसमें ये डाल देते हैं। और गैस को हमने मीडियम रखा है। मीडियम गैस पर हम इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। ये इसी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए अभी भुन गए हैं, अब देख सकते हैं। अब ये जो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे अब हम इन बाउल्स में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा अभी हम ठंडा होने देंगे। एकदम गर्म में हमें चीज़ों को नहीं मिलाना है। यहाँ ये हमने लिया है मिक्सचर, या हमने ये वाला मिक्सचर लिया है, एक ये वाला लिया है, और यह हमने कुछ चिप्स लिए हैं, और यहाँ ये हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू जिसे हमने इस तरह से काट लिया है। यहाँ ये हमने लिया एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे हमने बारीक काट लिया है, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। यहाँ ये हमने लिया है एक छोटा चम्मच हरी चटनी हमने ली है। यहाँ ये हमने लिया है आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, आधा नींबू हमने लिया है, और एक छोटा चम्मच हमने लिया है चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। ये देखिए लाई हमारी ठंडी हो चुकी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप इसी में इस तरह से ड्राई मसाले मिलाएंगे तो मसाले सारे नीचे जाके बैठ जाएंगे, इसमें मिक्स नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ले सकते हैं, चाहें तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे ताकि जो ऑयल की एक कोटिंग अच्छे से हमारे लाई पर हो जाएगी, तो मसाले इस पर चिपक जाएंगे। मिक्स हो गई है और हम इसमें मसाले मिला लेते हैं, जीरा पाउडर, नमक, और ये चाट मसाला, और ये लाल मिर्च पाउडर। चटनी हम लास्ट में डालेंगे। अभी हम इन मसालों को मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं ये सभी चीज़ें, आलू है, टमाटर है, ये सभी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। ये नमकीन भी डाल देंगे इसमें चिप्स के सरे से, और ये चटनी भी डाल देते हैं, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है हमने, और ये नींबू का रस डाल देंगे, इसके हमने बीज निकाल दिए थे, और मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को अच्छे से। तो ये देखिए हमारी चटपटी मसालेदार भेलपुरी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए एक पेपर ले लिया है और इसे इस तरह से कॉर्नर को इस तरह से करते जाएंगे फोल्ड अंदर की तरफ, और ये बन गया हमारा। और अंदर हाथ करके इस पेपर को इस तरह से, ये देखिए, और इसे ये मोड़ देते हैं। ये हमारा एक कोन बन गया। हम इसमें ये जो हमारी भेलपुरी हमने तैयार की है ये भर देते हैं। ये देखिए हमारी भेलपुरी बनकर तैयार है। थोड़ी सी नमकीन और डाल देते हैं इसके ऊपर। ये देखिए ये बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।